करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं, जिनकी सजगता और सतर्कता से देश की सीमाओं की रक्षा होती है। बिहार सरकार के लिए यह सौभाग्य का विषय था कि उसे गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह के सफल आयोजन का अवसर मिला। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उस समय की घटनाओं की स्मृतियों को पुनर्जीवित करते हुए गांधी जी के विचारों एवं उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना। महात्मा गांधी की जयंती के 150वें वर्ष को भी हम हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और उनके आदर्श एवं विचारों को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहारवासियों का अग्रणी योगदान रहा है। हम बिहारी राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं और अपने लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते रहे हैं। हमारी सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर सभी क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चल रही है और बिहार राज्य का सर्वांगीण विकास हमारा मूल संकल्प है। बिहार की तरक्की एवं प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं सबसे पहले जो हर वर्ष पिछले कई वर्षों से हम मौसम की स्थिति देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के हम सब शिकार होते हैं। शुरू में जब वर्षा होनी चाहिए उस समय वर्षापात न के बराबर होता है, वैसी स्थिति में हम लोगों के सामने एक जटिल समस्या उत्पन्न होती है। हम लोगों ने इस वर्ष भी वर्षापात हो या कहीं किसी इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो, इन सभी चीज़ों के लिए निरंतर